क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब आप घर पर अपना ब्लो ड्राई खुद से करती हैं तो वो शाइन, वो वॉल्यूम और वो फॉल नहीं आता जो हमें सलोन में मिलता है? क्यों? कीप वॉचिंग. बिलीव इन योर सेल्फ. हेलो एवरीवन, मैं गजल और वेलकम बैक टू माय चैनल. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लो ड्राई की बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो सलोन्स में यूज़ की जाती हैं, जो प्रोफेशनली यूज़ की जाती हैं जब वो ब्लो ड्राई करते हैं सलोन में. क्योंकि अक्सर जब हम अपने घर पर ख़ुद से अपना ब्लो ड्राई करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो आखिर वो चीज़ क्यों नहीं आ रही जो सलोन में, जो फॉल और जो वॉल्यूम और जो शाइन आती है बालों में. तो वो क्या चीज़ें हैं जिनको अगर हम फॉलो करें घर पर तो वैसे ही हम बिल्कुल वैसी सलोन वाली जो प्रोफेशनल लुक है वो अचीव कर सकें. तो मैं चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने कोर्स पूरा किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निक्स और इम्पॉर्टेंट बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में. मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचें, ताकि आपके लिए ब्लो ड्राई घर पर करना बहुत ही आसान हो जाए और आप वही रिज़ल्ट अचीव कर सकें जो सलोन में हम इतने सारे पैसे देकर अचीव करते हैं. तो इससे पहले कि मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँ, आपका शुक्रिया अदा करती हुई चलूँ. थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि उस पर कमेंट्स करते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ. और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब की फैमिली में सब शामिल होते जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो जब सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक भी कर लिया करें, ताकि कोई वीडियो आपसे मेरी मिस ना हो. और मुझे गजल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा. तो अब बताती हूँ मैं कि ब्लो ड्राई करने से पहले कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप वो सलोन वाला जो है वो रिज़ल्ट और वो लुक अचीव कर सकेंगे. वो क्या बातें हैं? तो सबसे पहली बात, अपना ब्लो ड्राई शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपके बाल धुले हुए हों, शैम्पू किए हुए हों प्रॉपरली, और उस पर कंडीशनर ज़रूर लगा हुआ हो. और अगर आप देखना चाहें कि प्रॉपर क्या तरीका होता है शैम्पू करने का और कंडीशनिंग करने का, तो मेरी उस पर वीडियो मौजूद है, माय शैम्पू हेयर केयर रूटीन, तो आप वो भी देख सकते हैं. उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि हम क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम हमारे बाल उतने सॉफ्ट और शाइनी नहीं होते. और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बाल आपके 50% ड्राई हों. ऐसे नहीं कि बाल आप नहा कर निकले और पानी टपक रहा है और उससे आपने ब्लो ड्राई शुरू कर दिया, तो उसमें एक तो बहुत देर लगेगी बाल सूखने में, दूसरा ये होगा कि उससे बालों में मॉइस्चर रह जाएगा. आप कितना ही उसको ड्राई करेंगे हेयर ड्रायर के साथ, तो थोड़ी देर के बाद आपके फिर बाल फूलने लगेंगे. तो आप सोचेंगे कि इतना टाइम मैंने ब्लो ड्राई पे लगाया, उसके बाद फिर मेरे बाल क्यों ख़राब हो रहे हैं? तो उसकी ये वजह होती है. इसके अलावा बालों को अच्छी तरह से ब्रश कर लीजिएगा, बालों में कोई भी टैंगल्स ना रहें, बाल उलझे हुए ना हों. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ड्रायर होता है उसका नोज़ल लगना बहुत ज़रूरी है उसमें. यानी कुछ लोग इस तरह से बगैर नोज़ल के भी बालों को ब्लो ड्राई करते हैं, तो उससे पूरी हवा फैल जाती है और जिस पॉइंट पर हम करना चाहते हैं उनको ड्राई वो नहीं होंगे, तो उससे वो आपको शाइनी लुक नहीं आएगी उसमें बालों में. तो बालों का नोज़ल होना बहुत ज़रूरी है, और जितना नैरो नोज़ल होता है उतना ही अच्छा होता है कि बालों में प्रॉपर उसी जगह पर हवा जा रही होती है जहाँ हम चाह रहे होते हैं. और कोशिश कीजिएगा कि वो हेयर ड्रायर आप लें जिसमें डिफरेंट एयर सेटिंग्स मौजूद हों, क्योंकि जब बालों को हम रूट्स की तरफ से ड्राई करते हैं तो उसमें बेहतर ये होता है कि हम कोल्ड एयर से ड्राई करें, ताकि हमारी रूट्स जो हैं वो हीट की वजह से डैमेज ना हो, और बाकी बालों को जो है वो आप आराम से हॉट एयर के साथ यानी गर्म हवा के साथ आप ड्राई कर सकते हैं. और हेयर ड्राई यूज़ करते वक्त कभी भी हेयर ड्रायर कुछ सेकंड से ज़्यादा एक ही पोजीशन में नहीं रखते हैं, किसी एक पॉइंट पर नहीं रखते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं उसकी पोजीशन, ताकि वो हवा जो है वो एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना करे. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आप बालों को ड्राई करें तो हमेशा नोज़ल का जो पॉइंट होता है वो टुवर्ड्स आपके ये जो एंड्स हैं इस तरफ यूँ होना चाहिए. अगर आप यूँ करके बालों को सुखाएंगे तो आपके बाल बहुत फूल जाएंगे, उनके शेफ्स जो हैं वो खुल जाएंगे और बहुत ही फिजी फिजी से बाल हो जाएंंगे. बालों की सेक्शनिंग बहुत ज़रूरी है ब्लो ड्राई करने से पहले. बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि सारे के सारे बाल इस तरह से लेके और फिर आप वो ब्रश कर रहे होते हैं और ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं, उससे आपको कभी भी वो शाइन, वो फॉल और वो वॉल्यूम नहीं मिल सकेगा जो सेक्शनिंग के बाद छोटे छोटे पोर्शंस लेके इस तरह से थोड़े थोड़े से पोर्शंस लेके और बालों को ड्राई किया जाता है. अब ये डिपेंड करता है कि बालों की थिकनेस पे कि किसके कितने घने बाल हैं, उसके उतने ही जो है छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं. लेकिन जितने आप छोटे सेक्शंस लेंगे आपके लिए उनको हैंडल करना अच्छा ईजिली हो जाएगा, आप हैंडल कर सकेंगे उनको और वो बहुत अच्छी और शाइन आएगी और बहुत सिल्की और स्लीक सा लुक आएगा उसमें. अच्छा, आप चाह रहे हैं कि अगर बालों में बहुत एक्स्ट्रा शाइन और
बिल्कुल एक चमकदार स्लीक सी लुक आए, तो आप शैम्पू करने से दो घंटे पहले अगर आप ऑयल लगा लेंगे बालों में तो आपके बाल बहुत शाइन करेंगे। और ऑयल पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने चार ऑयल्स की कॉम्बिनेशन से एक ऑयल मैंने जो मैं अपना बनाती हूँ लगाती हूँ, तो अगर आप वो देखना चाहें तो उस पर भी मौजूद है एक वीडियो माय ऑयल हेयर केयर रूटीन के नाम से, तो आप वो ज़रूर देखिएगा ताकि शैम्पू करने से पहले अगर आप ऑयल लगाएंगे बालों में तो आपके बाल बहुत शाइन करेंगे। अच्छा, अब ज़रा देख लीजिए कि बालों में ब्लो ड्राई करने से पहले हमें किन किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले आपके पास एक पावरफुल हेयर ड्रायर होना बहुत ज़रूरी है। हेयर ड्रायर के अलावा हमें ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं कुछ ब्रशेस आपको ज़रा इनके साइजेज और बता दूँ कि किस टाइप्स के हैं। ये इतने सारे ब्रशेस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन ये बड़ी साइज़ का सिरेमिक ब्रश है और जितना बड़ा साइज़ होगा उतने बाल आपके स्ट्रेट होंगे, तो स्मूथ होंगे बाल। तो जिनके बाल कर्ली हैं स्ट्रेट करना चाहें तो उनको बड़ी साइज़ का ब्रश यूज़ करना चाहिए। ये मीडियम साइज़ का ब्रश है, ये प्लास्टिक के ब्रिस्टल्स हैं इसके। और इसके अलावा ये वेंटेड ब्रशेस आते हैं, सिरेमिक वेंटेड ब्रशेस, ये बहुत अच्छे होते हैं। इनसे हीट चारों तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और ड्राइंग टाइम जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। और ये हैं वुडन ब्रशेस जो कि बोर ब्रिस्टल्स कहा जाता है इसको, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। ये पैडल ब्रश है, बालों को ज़रा टेंगल फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये एक टेल कोम है जिससे हम सेक्शनिंग करेंगे बालों की। और इसके अलावा ये कुछ हमें कैचर जो क्लिप्स होते हैं बालों के, ये बहुत ज़रूरी चाहिए होंगे क्योंकि जब हम सेक्शनिंग करेंगे तो ये होल्ड करेंगे बालों को। और ये है बालों को प्रोटेक्ट करता है ये स्प्रे, ये शॉर्ट्स कॉफ का स्प्रे है मेरे पास, ये 220 डिग्री सेंटीग्रेड हीट प्रोटेक्ट करता है। और बालों को जब भी हम स्ट्रेटनिंग करते हैं या ब्लो ड्राई करते हैं तो हीट प्रोटेक्ट स्प्रे ज़रूरी है। और ये है सीरम, ये एंटी फ्रिज सीरम है, फ्रिज को कंट्रोल करता है, बालों को जो फूल जाते हैं बाल उनको बहुत कंट्रोल करता है, बहुत सॉफ्ट और शाइनी रखता है बालों को। इसके अलावा मैंने स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जब जब एंड्स ड्राई हों तो हम उसे मॉइस्चराइज कर सकें। अच्छा, अब ये मैं इस मैनीक्योर पे भी आपको थोड़ा सा शेयर करूँगी कुछ टेक्निक्स, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं अपने बालों पर शेयर करूँ तो कुछ चीज़ें आपसे मिस हो जाएँ, तो इसलिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैनीक्योर्स हैं। इसके बाल भी मैंने डाई किए हैं, इसके बाल काटे भी मैंने ही हैं। और ये सारे जब कोर्स कर रही थी तो बहुत सारी मैनीक्योर्स पे सिखाया जाता था हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। अच्छा, बहरहाल मैं इसके बाल बिल्कुल गीले हैं, और बिल्कुल गीले नहीं, आई मीन 50% गीले हैं इसके बाल। तो इसको इस तरह से, ये आपको नज़र आ रही है, अच्छी तरह से आप इसके बालों को ब्रश कर लीजिए और टेंगल्स निकाल लीजिए। सीरम जो है वो लगाना है बालों को, तो थोड़ा सा आप बालों को सीरम इस तरह से हाथ पर लेके दो तीन पंप, और पूरे बालों में आपको ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से लेकर आना है, बालों में लगाना है सीरम, स्पेशली एंड्स पर। और कभी भी बालों को यूं यूं करके सीरम नहीं लगाया जाता है, बाल सारे उलझ जाते हैं और बालों के शेफ्स जो हैं वो खुल जाते हैं। अच्छा, सीरम लगा लेने के बाद आपको इस तरह से हेयर प्रोटेक्ट स्प्रे आता है जो कि 220 डिग्री सेंटीग्रेड हीट प्रोटेक्ट करता है, उतनी हमारे बालों को बचाता है डैमेज से। तो सारे बालों में इस तरह से दूर से रख के आपको स्प्रे कर लेना है सारे बालों में अच्छी तरह से, ताकि इसके बाल जो हैं वो हीट से प्रोटेक्ट हो जाएं। तो इस तरह से हो गया। अब बालों की सेक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको बताऊं कि किस तरह से सेक्शनिंग होती है। ये बीच की आपने इस तरह से ये मांग निकाल ली, और इसके बाद यहाँ से ऊपर से लेके कान तक, अब आप देख रहे हैं कान का एरिया, आगे बाल अलग होंगे और ये पीछे के बाल हम अलग रखेंगे। तो इस तरफ से भी हमने कान से बालों को डिवाइड कर लिया, और जो भी बाल कान से आगे आ रहे हैं उसको हम अलग से बांधेंगे, और जो कान के पीछे बाल हैं उनको हम अलग से बांधेंगे। तो इस तरह से अब आप इनको कैचर की मदद से बांध दीजिए दोनों पोर्शन को अलग अलग। अब ये कान के जो ऊपर का जो एरिया है उसको आप इस तरह से अलग कर लें, और जो कान के नीचे का एरिया है वो हम अलग करेंगे। सेक्शनिंग करने से एक आसानी ये हो जाती है कि पहले फिर आप पीछे के बालों को थोड़े थोड़े पोर्शंस में आप ब्लो ड्राई कर लीजिए, फिर आप जब पीछे के सारे बाल हो जाएं तो आगे के बालों को थोड़े थोड़े पोर्शंस में ब्लो ड्राई करेंगे। अगर आपको सेक्शनिंग बहुत मुश्किल लगती है
बिल्कुल परेशान ना हो, आप सारे बाल जो हैं वो दो सेक्शंस में डिवाइड कर लें। सिंपल, एक सेक्शन को आप इस तरह से बांध दें, ठीक है, दूसरा सेक्शन है उसके नीचे वाला, बस इसकी इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले नीचे वाले जो बाल होते हैं हमारे सर के, उनको ब्लो ड्राई किया जाता है। अब दूसरे बालों का बांध दीजिए इस तरह से, आप ऐसे बांध दें बालों को और छोटे छोटे सेक्शंस लेके, और आप अपने बालों को इस तरह से पहले आपने ऐसे पकड़ा और पहले आपने इनको यहाँ से रूट से यहाँ से और इस तरफ से ज़रा ड्राई किया पकड़ के एक हाथ से, थोड़ा सा आपको खींचना है, हल्का सा टेंशन देनी है, और पहले आपने रूट्स की तरफ से हल्का हल्का कोल्ड एयर के साथ, और एक ही पोजीशन में नहीं रखना, एक ही जगह पॉइंट नहीं करना है हेयर ड्रायर को, और आप उसको ठंडी हवा के साथ रूट्स को जब आप ड्राई कर लेंगे उसके बाद आप अपना ब्रश इस तरह से नीचे रखिए बालों के, और बाल आपके ऊपर हों, और दूसरे हाथ से आपने ब्रश को पकड़ा और अच्छी तरह से बाल ब्रश पर रख के, और अब आप हॉट एयर के साथ, नोजल नीचे की तरफ है, और आप बालों को इस तरह से आप स्ट्रेट करती जाएं, और जब ये एंड्स की तरफ आएगा तो फिर हम इसे एंड्स को, आप देख रहे हैं कि ब्रश को मैं किस तरह से राउंड कर रही हूँ, हल्के हल्के से आपको इनवर्ट्स की तरफ, अंदर की तरफ राउंड ब्रश को घुमाते जाना है। इस तरह से आपको तब तक करना है जब तक कि आपके बालों में शाइन नहीं आ जाती है और आपको अपनी डिज़ायर्ड लुक जैसी आप चाह रही हैं वैसी नहीं आ जाती। तो ये एक दफ़ा में नहीं होगा, आप दो तीन दफ़ा, चार दफ़ा, ये डिपेंड करता है कि आपके बालों का टेक्सचर किस तरह का है, और इस तरह से आप करते जाएं। खुद से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप प्रैक्टिस करती रहेंगी आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा वक्त के साथ साथ, और हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी सलोन जाने की। खुद से आप अपना बहुत ही ज़बरदस्त सलोन वाली लुक के साथ ब्लो ड्राई कर सकती हैं, वही शाइन, वही बाउंस और वही वॉल्यूम आएगा। देखिए इस तरह से बस इस टेक्निक को फॉलो करना है कि आपको नोजल नीचे की तरफ बालों की तरफ रख के और ब्रश से बालों को इस तरह से राउंड अंदर की तरफ घुमाना है अगर आपको बाल स्ट्रेट और इनवर्ट्स लुक चाहिए। इसी तरह से आप पहले सारे पीछे के बाल कर लें और फिर थोड़ी थोड़ी से पोर्शंस में लेकर आगे के बालों को करें। तो ये वाले आपने कर लिए, फिर आपने इसको पीछे कर लिया, और जो ऊपर बाल बांधे हैं फिर आप इसे खोल लें, और फिर जो नीचे की तरफ जो हो थोड़ा सा पोर्शन लें आप बालों का, उसको आप अपने आगे इस तरह से रखें और बाकी बालों को आप बांध दीजिए फिर इसी तरह से, और अब इस वाले को करें इसी तरह से। ये हो जाए फिर आपने बाल खोले अपने और थोड़े थोड़े से आपने पोर्शन लेते गए और आप ब्लो ड्राई इसको करते गए। इसी तरह से आगे के बाल जो हैं वो भी थोड़े थोड़े से पोर्शंस में लेकर, और अगर एंड्स ड्राई हो जाएं तो ये जो स्प्रे बॉटल में पानी है इससे थोड़ा सा आप एंड्स को मॉइस्चराइज कर लीजिएगा हल्का हल्का सा, और फिर इस तरह से पहले रूट्स पे ड्राई करेंगे हम बालों को और फिर इसको नीचे की तरफ इस तरह से इनवर्ट्स ब्रश को घुमाते हुए अंदर की तरफ, और आपको बालों को ड्राई करना है। और आप ये देखें जितना आप करती जाएंगे आपके बाल सिल्की शाइनी बहुत प्यारे होते जाएंगे और अंदर की तरफ टर्न होते जाएंगे, और जो एक्चुअल कट है बालों का, ये देखिए मेरे इस तरह का कट है बालों का, तो मैंने अपने कट को थोड़ा सा हेयर कट को इन्हेंस किया है। अभी आप इस मैनीक्योर पे भी देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कम से कम कोशिश करें कि बालों को ब्लो ड्राई करें या स्ट्रेट करें स्ट्रेटनर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट लगती है बालों को तो बाल ड्राई हो जाते हैं और बहुत रफ हो जाते हैं, उनके एंड्स ख़राब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं बेसिकली बाल जो है हमारे। तो जितनी ज़रूरत हो तब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स के ज़रिए बताइए ताकि मैं आपके साथ फिर नेक्स्ट टाइम ब्लो ड्राई की वो ज़रा एडवांस टेक्निक शेयर करूँ जिसमें एक्चुअली कट को किस तरह से इन्हेंस किया जाता है, क्योंकि सबके लंबे बाल नहीं होते हैं, डिफरेंट कट्स होते हैं। तो एक्चुअली ब्लो ड्राई वो होता है जो आपके कट जो आपने करवाया है वो इन्हेंस हो और आप पता चले कि आपने कौन सा कट करवाया है। अच्छा, तो अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे, और जिसके लिए ये जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं, और मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने 25 अमेजिंग मेकअप हैक्स आपके साथ शेयर किए हैं।